वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द अमाइनो एसिड्स. अमाइनो एसिड्स मैंने आपको पहले भी बताया, अमाइनो एसिड्स क्या है हमारे. अमाइनो एसिड्स हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, मतलब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलकर बनाने वाले हैं हमारा प्रोटीन. ठीक है, तो मेन फंक्शन अमाइनो एसिड्स का यही होगा कि दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, मतलब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलकर हम बनाने वाले हैं प्रोटीन. द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन अमाइन एंड कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप आर नोन एज अमाइनो एसिड्स. ठीक है, अमाइनो एसिड्स क्या है, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें अमाइन और कार्बोक्सिल फंक्शन ग्रुप ऐड होंगे. अमाइन ग्रुप ऐड हो गया, हमारा एक कार्बन कंपाउंड हो गया. अब यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप ऐड हो सकता है. ये अल्काइल ग्रुप चेंज होता रहेगा फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स. अभी हम पढ़ेंगे बहुत सारे टाइप के अमाइनो एसिड, और अगर आप उनका स्ट्रक्चर देखेंगे, ब्राउज करेंगे, तो ये जो आर ग्रुप है ये हर जगह चेंज होगा, बाकी ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये आपका सेम रहेगा. जिसमें क्या है, हमारे कार्बन पे एक तो हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होगा, एक हमारा अमाइन ग्रुप प्रेजेंट होगा, और हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होगा. ठीक है, कार्बोक्सिल फंक्शन ग्रुप. एंड दे आर कंसिडर्ड एज मीथेन डेरीवेटिव्स. मीथेन डेरीवेटिव्स हम इनको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मीथेन क्या होता है, सी एच फोर होता है, और डेरीवेटिव मतलब मीथेन से बनने वाला कोई स्ट्रक्चर. ठीक है, तो सी एच फोर हो गया. अब यहाँ पे एक एच एज इट इज़ है, एक एच के सब्सटीट्यूशन की जगह आ रहा है एन एच टू, दूसरे की जगह आ रहा है सी डबल ओ एच, और यहाँ पे कुछ सब्सटीट्यूशन आए जा रहे हैं. ठीक है, तो ये इसलिए हम इसको बोल रहे हैं मीथेन डेरीवेटिव, क्योंकि ये हमें मीथेन के स्ट्रक्चर से मिल रहा है. द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, सबसे इंपॉर्टेंट बात अमाइनो एसिड्स के बारे में, दैट दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन. नाउ लेट्स सी द क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स. अब हमारी बॉडी में जो अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं उनको हमने टू कैटेगरीज में डिवाइड करा. फर्स्ट इज असेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड सेकेंड इज नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स. कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में खुद से सिंथेसाइज होते हैं, खुद बनते हैं. ठीक है, वो हमें बाहर से अपनी डाइट में लेने की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो होते हैं हमारे नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड, जिनकी हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर रही है. ठीक है, दूसरे हैं असेंशियल अमाइनो एसिड्स, मतलब ऐसे अमाइनो एसिड जो हमें अपनी डाइट से लेने पड़ेंगे, हमें ऐसे फूड खाना पड़ेंगे जिसमें हमें ये वाले अमाइनो एसिड्स मिले. ठीक है, दे मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम डाइट, हाउएवर नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड आर सिंथेसाइज एंडोजिनसली, हमारे सेल्स में खुद बनते हैं. अब ये जो असेंशियल और नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स के नाम है, ये आपको बहुत अच्छे से मेमोराइज करना है. ठीक है, द असेंशियल अमाइनो एसिड्स इंक्लूड हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइलएलानिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन. ठीक है, अब आप इसका कुछ शॉर्टकट बनाइए. ये जो इसके फर्स्ट वर्ड्स हैं, इन सबसे एच आई एल एल एम पी टी टी वी, इसका आप कुछ शॉर्टकट बनाइए और आप इसे इनके नेम्स लर्न कर लिए. एंड सिमिलर फॉर नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स, इसमें भी एलेनिन, आर्जिनिन, एस्पार्जिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन, ग्लाइसिन, प्रोलीन, सीरीन एंड टायरोसिन. इनका जो फर्स्ट वर्ड है उसका कुछ उसका वर्ड मेमोराइज करके आप कुछ उसका शॉर्टकट बना के आपको असेंशियल और नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स की जो नेम्स हैं वो अच्छे से लर्न होने चाहिए. ठीक है, क्योंकि ये आपके नॉर्मल एग्जाम्स के लिए भी और आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी असेंशियल और नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड बहुत पूछा जाता है कि आपको ऑप्शन दे देते हैं और इसमें से कौन सा असेंशियल अमाइनो एसिड है और कौन सा नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड है, ऐसे पूछा जाता है. ठीक है,